डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। स्वतंत्रता दिवस पर यूं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, बावजूद इसके कारोबारी जलालुद्दीन पर भगत लाइन के पास ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया। घायल को तुरंत ही सुशीला जसवंत राय हॉस्पिटल ले जाया गया। कारोबारी को 5 गोलियां लगी हैं। पुलिस का दावा है कि आसपास की CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब 55 वर्षीय जलालुद्दीन की खैरनगर में पुराना तांबा पीतल खरीदने की दुकान है। दरअसल एक साल पूर्व जलालुद्दीन के भाई बिलाल की गाजियाबाद के लोनी में हत्या कर दी गई। इस हत्या में नामजद बिलाल की दूसरी पत्नी नजमा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बिलाल हत्याकांड में जलालुद्दीन पैरवी कर रहे हैं। मंगलवार को जलालुद्दीन अपने दूसरे मकान इचौली के कुआं पट्टी गए थे। वहां से वापस लौटते समय सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भगत लाइन के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने पीछे से उन्हें गोली मार दी। इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। ये जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, जो मूल रूप से इचौली के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से यहाँ जाकिर कॉलोनी में रह रहे थे। आज सुबह ये अपने गांव पे गए थे, वहाँ खेत का काम देख के ये वापस आ रहे थे। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में इनके पीछे से जो है गोली मारी गई है, जिनका उपचार इस समय चल रहा है, ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। इनके परिवार में जो प्राथमिक पूछताछ में निकल के आया है कि इनके बड़े भाई की हत्या हुई थी, जिसका आरोप उनकी दूसरी पत्नी के ऊपर लगाया था। परिवार वालों का पूरा शक है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है, क्योंकि ये उस मुकदमे की लगातार पैरवी कर रहे थे और उसके अगेंस्ट जो है साक्ष्य और गवाही वगैरह को मॉनिटर कर रहे थे। अच्छा सर, कितनी गोली लगी है और अभी क्या स्थिति है? उनको CT स्कैन के लिए ले जाया गया है, तो अभी एग्जैक्ट हम बता नहीं पाएंगे, डॉक्टर जैसे बताते हैं उसके बाद ही आपको अपडेट कर पाएंगे। मर्डर की इसके गवाह थे? हाँ, जो इनके बड़े भाई हाजी बिलाल, जिनका मर्डर लोनी में हुआ था, उस केस के भी गवाह थे और उस केस के मुख्य पैरवीकार भी थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।